सबकॉन्शियस माइंड में याददाश्त का भ्रम निर्माण हुआ तो कितना प्रॉब्लम होता है, वो एक केस स्टडी के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक 40 साल का युवक मेरे पास में आया, बोल रहा था कि पिछले 6-8 महीने से उसको याददाश्त की मेमोरी का ख्याल नहीं रहता, स्मरण नहीं रहता, उसका प्रॉब्लम उसको चालू हुआ है। और उसको ऐसा लगता है कि भाई अभी मुझे कोई अल्जाइमर्स डिमेंशिया हो गया या और कोई डिमेंशिया हो गया, याददाश्त मेरी चली जा रही है, क्या प्रॉब्लम क्या है। तो फिर मैंने उसको देखा, तपास लिया, सब जांच करवाया, कुछ मिला नहीं। फिर अभी हो तो नहीं गया कुछ, मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा कि आपको याददाश्त क्यों निकल गई, अभी 40 साल की उम्र है तो कोई डिमेंशिया भी लगता नहीं है, हुआ क्या। फिर जब उसके साथ में बातचीत करने लगा तो मालूम पड़ा कि उसको 8 महीने पहले किसने ऐसा बोल दिया उसको कि तुमको याद नहीं रहती कोई चीज़। वो एक दो चीज़ ऐसे कोई भूल गया तो किसने वो कमेंट पास कर दिया कि तुमको आजकल चीज़ें याद नहीं रह रही है, देखो डिमेंशिया तो नहीं हो रहा है, एक अल्जाइमर डिमेंशिया नाम की बीमारी होती है, एक बार चेक कर लो। तो मतलब ये किसने बोला ये, तो बोले मेडिकल में गया हुआ एक लड़का था जो सेकंड या थर्ड ईयर में था कुछ तभी, उसने उसके ऊपर ऐसी कमेंट पास कर दिया। अब क्या हो गया, ये जो आदमी था इसके लिए मेडिकल का लड़का जो थर्ड ईयर का है वो ऐसा बोल रहा है कि देखो चेक कर लो आपकी याददाश्त तो नहीं कम हुई। ये सूचना जो है, ये सजेशन सीधी जाके बैठी सबकॉन्शियस माइंड में, अंतर मन में सीधी जाके चिपक गई अचेतन मन में, और उसको लगने लगा कि यस कुछ तो भी गड़बड़ है। बाद में उसको वो सजेशन अपने को खुद को दे रहा है, सबकॉन्शियस माइंड को अपने आप को ही सजेशन दे रहा है कि देखो मेरी याददाश्त तो नहीं कम हुई, देखो उसने मुझे ऐसा बोला है मेरी याददाश्त तो नहीं कम हो गई, ऐसा उसने खुद को बोलना चालू कर दिया। देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, मैं ऐसे कैसे भूल गया। तो जब वो ऐसा इंटरनल गया, अंदर घुस गया, विचारों में घुस गया, अर्थात उसका असर ये हो गया कि वो प्रेजेंट में रहता नहीं था, प्रेजेंट में नहीं रह रहा तो वहाँ फिर भुलक्कड़ पाना चालू हो गया, क्योंकि वहाँ मौजूद ही नहीं है जो चल रहा वहाँ, फिर चीज़ें याद नहीं रह रही। फिर लोग बोले देखो तुमको याद नहीं रहता, उसको और एक एग्रीमेंट और एक उसको एविडेंस, एक पुरावा उसको मिल गया, एक सबूत मिल गया कि अभी देखो मेरी याददाश्त अभी ठीक नहीं है। तो ये ऐसा बढ़ते बढ़ते गया, और फिर जब याददाश्त ठीक नहीं है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे अल्जाइमर्स डिसीज हुआ क्या, डिमेंशिया हुआ है क्या कोई, या फिर क्या प्रॉब्लम है, उससे उसको डिप्रेशन आने लगा। वो काफ़ी जगह गया, काफ़ी क्लिनिक में गया, सीटी स्कैन किया, एमआरआई किया, कोई अलग अलग टेस्ट किया, मगर उसमें कुछ निकला नहीं। मेरे पास में जब आया तो उसको मैंने सब जांच करके बताया कि देखो भाई आपको जो सूचना मिली है वो थर्ड ईयर स्टूडेंट जो था MBBS, उसने जो आपको सजेशन दिया वो सीधा जाके अंतर्मन में बैठ गया। तो कभी कभी ऐसा होता है, उसको मैंने समझाया कि भाई सबकॉन्शियस माइंड में सीधी जाके वो सजेशन बैठ जाती है और फिर उसका असर अपने को दिखने लगता है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड में सजेशन क्यों जाती है, यदि आप हाइटेंड इमोशन में हो, नंबर एक, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके ज़्यादा है, बहुत दुख है या बहुत खुशी है, उसमें सीधे सबकॉन्शियस माइंड में सूचना जाती है, या फिर एक आधा जो उसमें ऑथोरिटी है, जिसको उसने ऑथोरिटी समझा ये व्यक्ति ने कि वो थर्ड ईयर स्टूडेंट है, मतलब ये ऑथोरिटी है उसके उसके पास में, मतलब प्रभावशाली व्यक्तित्व है, जिसने भाई वो मेडिकल पढ़ रहा है तो उसने बोला कि तुम्हारी याददाश्त निकल रही है तो उसको लग रहा है याददाश्त निकल गई है। तो कोई प्रभावशाली व्यक्ति ऐसा बोलता है, वो सूचना जो है वो सीधी जाके अंतर मन में बैठ जाती है और फिर उसका कंटिन्यूसली एक से एक बढ़कर इफेक्ट होते जाता है, क्यूम्युलेटिव इफेक्ट, और फिर एक्चुअली बीमारी हो जाती है। जब उसको मैंने सब ऐसा एनालिसिस करके बताया तो बोले हाँ मुझे अभी समझ में आ रहा है कि मैंने वो फजूल ऐसा कर लिया, एक दो बार तो ऐसी चीज़ें भूल जाना नॉर्मल है, मगर मैंने उसका बहुत ज़्यादा बड़ा काम कर दिया, मतलब दिमाग में लाया कि अभी बिलीफ हो गया मेरे मन में कि नहीं मेरी याददाश्त निकल रही, मुझे डिमेंशिया हो रहा है। और फिर वहाँ से फिर याददाश्त और ख़राब होने लगी, उससे डिप्रेशन आने लगा, तबीयत खराब होने लगी, काम बंद, ऐसा प्रॉब्लम बढ़ते ही बढ़ते गया। उसको मैंने डिप्रेशन के लिए दवाई दिया, काउंसलिंग किया, उसकी याददाश्त जो है मेमोरी क्वेश्चंस, वो मेमोरी क्वेश्चन कोई टेस्ट है वो हमने जो निकाले हुए हैं वो हमने टेस्ट उसको दिया, उसको बताया कि देखो आपकी मेमोरी बहुत ही अच्छी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये दवाई ले लो, 2-3 बार मेरे पास में काउंसलिंग के लिए आ जाओ, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसने मुझे थैंक यू बोल के निकल गया, और बाद में फिर 2-3 बार सेशन को आया और बोले अभी मुझे ठीक लग रहा है, अभी मैं क्वाइट रिलीव्ड हूँ। आपको बताने का मुझे यह है कि सूचना जब सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और उसके ऊपर जब व्यक्ति बिलीव करना चालू कर देता है, बिलीफ कि ऐसे ही है, तो उसका असर एक्चुअली फिर अपने लाइफ में दिखाई देता है। तो कोई भी बिलीव करने के पहले ये देखो
क्या मैं इसके ऊपर बिलीव कर रहा हूं यह सही है, यह वास्तविक है, रैशनल है, रियलिटी में है कि मैं ऐसे बिलीव कर रहा हूं। क्योंकि एक बार वो अंदर घुस गया और एक बार आपका वहम हो गया या बिलीफ हो गया कि ऐसा ही है, फिर तो निकालना बहुत कठिन हो जाता है। तो काफ़ी सारे लोग इससे ग्रसित है, तो जरूर वीडियो लोगों को शेयर करो ताकि लोगों को ये मेमोरी प्रॉब्लम जो है, जो एक्चुअली डिमेंशिया नहीं है, इससे उनका छुटकारा हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।